दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का कैमरा प्रेम शायद ही किसी से छुपा हुआ है। आए दिन कैमरा प्रेम से भरी वीडियो और फोटो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होती ही रहती हैं। इसी बीच जेपी नड्डा का प्रधानमंत्री मोदी और कैमरे के बीच आ जाने पर एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल वीडियो में आप गौर करें तो प्रधानमंत्री मोदी गाड़ी से उतरकर जेपी नड्डा और पास खड़े कुछ लोगों से मिलने जाते हैं। लोग उन्हें फूल भी देते हैं। वहीं आप गौर करें तो जेपी नड्डा प्रधानमंत्री मोदी और कैमरे के बीच खुद को पाते हैं तो बिना कुछ बोले स्वतः ही पीछे हट जाते हैं। मानो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आंखों में इशारा कर दिया हो कि आप कैमरे और हमारे बीच में हैं। दोस्तों, आप जेपी नड्डा का कैमरे के आगे से स्वतः हट जाने पर और प्रधानमंत्री मोदी के कैमरे प्रेम पर क्या कहना चाहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर साझा करें। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के इस कैमरे प्रेम पर अब सोशल मीडिया यूजर्स और विपक्ष जमकर तंज कस रहे हैं। कांग्रेस नेता अलका लांबा लिखती हैं, बेचारे नड्डा जी और कैमरा जी भी। कांग्रेस नेता श्रीनिवास जी भी लिखते हैं, नड्डा जी अचानक से जज्बात क्यों बदल गए। कोई यूजर कहते हैं, मोदी और कैमरे के बीच कोई नहीं आ सकता, भारी बेइज्जती। एक और यूजर लिखते हैं, नड्डा जी को पता था कि कैमरे के बीच आया तो बंदा धक्का भी मार सकता है, इसीलिए वह अपनी इज्जत बचाते हुए खुद हट लिए। आंखें दिखाई थी कैमरा जीवी ने, तुरंत पीछे हट गए। अभिषेक लिखते हैं, समझ गए ये आदमी फोटो के लिए कहीं भी इज्जत उतार देगा। वहीं दोस्तों हेमंत परमार लिखते हैं, साहब और कैमरा के बीच में अगर कोई आया तो समझो वो गया। वहीं दोस्तों कटिंग चाय लिखते हैं, मोदी जी और कैमरे के बीच कोई नहीं आ सकता, जज्बात को दबाए रखना पड़ता है। वहीं दोस्तों एक और उजय लिखते हैं, धिक्कार है ऐसे व्यक्ति पर जो अपनी इमेज बनाए रखने के लिए उन लोगों की बेइज्जती भी कर देते हैं जो मोदी के साथ रात दिन रहते हैं। एक और उजय लिखते हैं, इससे पहले मोदी जी हटाए वो खुद ही हट गया, ऐसे रोबोट टाइपिंग मशीन जिंदगी हो गई है भाग दौड़ में नड्डा जी की।